टुडेज टॉपिक इज द गोल ऑफ 5-year प्लान्स। अ प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। द गोल्स ऑफ द 5-year प्लान्स वर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। दिस डज नॉट मीन दैट ऑल द प्लान्स हैव गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल दीज गोल्स। Due to limited resource, a choice has to be made in each plan about which of the goal is to be given primary importance. Nevertheless, the planners have to ensure that as far as possible the policies of the plan do not contradict these four goals. Let us now learn about the goals of planning in some detail. बच्चों, ये जो 5-year प्लान बनाए गए थे, इनके पीछे इनका क्या मोटिव था, क्या गोल रखा गया था? तो फोर बेसिक मोटिव या गोल थे, वो थे ग्रोथ करना, मतलब इकोनॉमी को ग्रो करना, मॉडर्नाइज्ड करना, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर बनाना, और इक्विटी यानी समानता बनाना। इन चार गोल्स के लिए प्लान बनाए गए थे। अब आपको पता है कि गोल जो बने थे, अभी मिस्टर नरेंद्र मोदी आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमारी इकोनॉमी के लिए जो बात करी है वो सेल्फ रिलायंस की करी है, यानी आत्मनिर्भर होने की बात करी है। अभी देखो बच्चों, जब कोई भी प्लान बनाया जाता है तो उसका एक मतलब क्लियर मोटिव होना चाहिए या क्लियर गोल होना चाहिए। और हमारी कंट्री के प्लान्स का क्लियर गोल क्या था? चार थे। कौन कौन से थे, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। इसे हम हिंदी में समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद है कि जितने भी प्लानर्स थे उनके सामने ये था कि ये चारों गोल जो हैं वो हमारे पूरे हो जाएं, हम कंप्लीट कर पाए, और इनमें आपस में कोई भी कंट्राडिक्शन या कंट्राडिक्ट ना हो, यानी आपस में कोई भी अंतर विरोध इनके अंदर ना हो। अब हम फर्स्ट गोल पढ़ेंगे, ग्रोथ। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी, या पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं। ग्रोथ इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंट्री के अंदर जितनी भी कमोडिटी यानी वस्तु और सर्विसेज सेवाएं बनाई जाएगी उनमें क्या करना, इंक्रीज करना। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी कैपिटल होगा, प्रोडक्शन कैपिटल होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना। बैंकिंग और जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग, इन सब सर्विसेज को इंक्रीज करना। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ये आप 10th में भी पढ़ के आए थे, अब यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेना कि जीडीपी जो ग्रोथ होती है, द जीडीपी, जीडीपी क्या कहलाती है? तो जीडीपी को हम कहते हैं, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बाजार में बनने वाली जितनी भी फाइनल गुड और सर्विस होती है उसकी मॉनेटरी वैल्यू ड्यूरिंग अ ईयर। ईयर कौन सा? फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट अप्रैल टू 31st मार्च। कैन यू थिंक ऑफ द जीडीपी एज अ केक? अब यहाँ पे इमेजिन करना आपको कि जीडीपी एक केक है, और इस केक का साइज जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा लोग इसको खा पाएंगे। इसका मतलब 5-year प्लान का मेन गोल जो था या मोटिव जो था वो ये था कि जीडीपी रूपी केक को बड़ा करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो मिल सके। ठीक है, द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, नेमली
द एग्रीकल्चर सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, जिस इन सेक्टर्स को हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. इट्स अनदर नेम इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शरी को हम कहते हैं सर्विस सेक्टर. द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर्स मेक अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी. इसको आप अंडरलाइन कर लें. स्ट्रक्चरल कंपोजिशन किसे कहते हैं? जो तीनों सेक्टर से मिलकर जो कंपोजिशन होती है वो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहलाती है. इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी ग्रोथ, वाइल इन सम कंट्रीज द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर टू जीडीपी ग्रोथ. अब इसका एग्जाम्पल बॉक्स 2.4 में दिया गया है, लेकिन पहले हम ये महालिनोबिस के बारे में पढ़ेंगे. महालिनोबिस जो थे वो हमारी कंट्री के आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग माने जाते हैं. वैसे तो इन्होंने सेकेंड फाइव ईयर प्लान बनाया था, इसीलिए आरएएस वगैरह में बच्चों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या जितने भी हमारे ये आरपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आता है. सेकेंड फाइव ईयर प्लान का अनदर नेम क्या है? तो उसे हम महालिनोबिस प्लान या महालिनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड थिंकर हमारी कंट्री में हुए. डिस्टिंग्विश्ड थिंकर किसे कहते हैं बच्चों? आप में से बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा, और बहुत सारों को नहीं अगर मालूम है तो मैं बता दूं, जो प्रसिद्ध विचारक होते हैं उन्हें हम डिस्टिंग्विश्ड थिंकर कहते हैं, जो फेमस थिंकर्स होते हैं. उन्होंने फाइव ईयर प्लान को बनाने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन अपने दिए, जिनमें एक फेमस स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था प्रशांत चंद्र महालिनोबिस. प्रशांत का पी, चंद्रा का सी और महालिनोबिस तो इनका सरनेम है ही. इन्हें पीसी महालिनोबिस के नाम से जाना जाता है, और ये एक प्रोमिनेंट स्टैटिस्टिशियन थे. प्लानिंग इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म बिगिन विद द सेकेंड फाइव ईयर प्लान. वास्तव में अगर देखा जाए तो फाइव ईयर प्लान जो था, एक्चुअली फाइव ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ हमारी कंट्री में, वो सेकेंड फाइव ईयर प्लान से ही स्टार्ट हुआ था. इन्होंने अपने बेसिक आइडिया से उस प्लान को बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया था, इसीलिए सेकेंड फाइव ईयर प्लान को हम महालिनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं. दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ महालिनोबिस. इन दैट सेंस ही कैन बी रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि वाई महालिनोबिस कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, क्यों कहा जाता है इन्हें. महालिनोबिस वॉज बॉर्न इन 1893 इन कलकत्ता. उस समय कोलकाता का नाम कलकत्ता था, इसलिए यहाँ कलकत्ता लिखा हुआ है, आपको भी यही लिखना है. ही वॉज एजुकेटेड एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता एंड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड. इन्होंने अपनी एजुकेशन यहाँ से, ये इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये क्या कहाँ के रहने वाले थे, कब जन्म हुआ था, कहाँ कहाँ से इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी, और क्या कंट्रीब्यूशन था इनका. हिज कंट्रीब्यूशन, इसको अंडरलाइन कर लेना, हिज कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ब्रॉट हिम इंटरनेशनल फेम. इन्होंने सांख्यिकी को, स्टैटिस्टिक्स को इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाया था. इन 1945 ही वॉज मेड अ फेलो मेंबर ऑफ ब्रिटेन्स रॉयल सोसाइटी, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट. ओनली द मोस्ट आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट आर मेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी. ये जो सोसाइटी थी ब्रिटेन्स रॉयल सोसाइटी, ये बहुत प्रेस्टीजियस लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन था. और कैसे लोग थे वो? साइंटिस्ट लोग थे, यानी वैज्ञानिकों का एक ऑर्गेनाइजेशन था. महालिनोबिस एस्टैब्लिश द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. इन्होंने ISI बनाया था, आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्टैटिस्टिकल और आई फॉर इंस्टीट्यूट. ये एब्रीवेशंस आपको याद करनी है. कहाँ पे बनाया था ये? कलकत्ता के अंदर बनाया था. एंड स्टार्टेड अ जनरल सांख्य विच स्टिल सर्व एज अ रिस्पेक्टेड फोरम फॉर स्टैटिस्टिशियंस टू डिस्कस देयर आइडिया. बोथ द आई एस आई एंड सांख्य आर हाई
highly regarded by statisticians and economists all over the world to this day. इनके द्वारा जो बनाया गया ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये, और एक इन्होंने जनरल प्रिंट वो पब्लिश करा था सांख्य नाम से, वो आज भी बहुत रेलेवेंट माना जाता है. बहुत सारे स्टैटिस्टियन ने इनको पढ़ पढ़ के अपनी आइडियाज़ को और ज़्यादा ब्रॉड किया है. ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान पीरियड महालनोबिस इन्वाइटेड मैनी डिस्टिंग्विश इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड टू एडवाइस हिम ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और ये इतने शानदार दिमाग के आदमी थे, इन्होंने फॉरेन से लोगों को सेकेंड फाइव ईयर प्लान बनाते समय इन्वाइट किया था कि वो इंडिया के रेफरेंस में यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए अपने विचारों को दे सकें. और उनमें से कुछ इकोनॉमिस्ट तो ऐसे हुए बाद में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था. नोबेल प्राइज़ अपने आप में बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है, आपको मालूम है, वर्ल्ड फेम का अवार्ड होता है वो. विच शोज़ दैट ही कुड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद टैलेंट. और इनके अंदर एक और क्वालिटी थी कि ये टैलेंट को पहचान जाते थे कि किस आदमी में क्या इंडिविजुअल टैलेंट होता है. अमंग द इकोनॉमिस्ट इन्वाइटेड बाय महालनोबिस वर दोज हु वर वेरी क्रिटिकल ऑफ द सोशलिस्ट principles of the second plan. In other words, he was willing to listen to what his critics had to say. और एक इनमें एक बहुत ही अच्छी बात थी कि ये अपनी बुराई सुनने में भी इंटरेस्टेड रहते थे ताकि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सके. हमारी तुम्हारी तरह नहीं थे बच्चों ये कि हम अपनी बुराई सुनकर नाराज हो जाएं. ये अपनी बुराई सुनने की क्षमता भी रखते थे. Many economists today reject the approach. जैसा कि आपको मालूम है, क्रिटिक्स हर एरा में होते हैं, हर युग में होते हैं. तो उस समय भी ऐसा था कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इनके अप्रोच को रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि इनका वाइटल रोल है इंडिया ऑन द रोड टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रास्ता तैयार करने या प्रोग्रेस का रास्ता तैयार करने में इन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है. और ये जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन हमने ली है, ये इसका सोर्स आपकी बुक में नीचे दिया गया है कि कहाँ से हमने ये लिया है. ये आपको महालनोबिस के बारे में पढ़ना है. यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, 1-1 mark के भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों यहाँ पे, कि सेकंड फाइव ईयर प्लान को कौन सा मॉडल कहा जाता है. ब्रीफ लाइफ स्केच आ सकता है महालनोबिस का. इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग क्यों कहा जाता है. इन्होंने कौन से इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया था, कौन सा जनरल इन्होंने पब्लिश किया था, और ब्रिटेन की कौन सी सोसाइटी में इनका नाम है या इन्होंने उसका फोरम तैयार किया था. ये सब चीज़ें, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो बच्चों, हमने आज द गोल ऑफ फाइव ईयर प्लान में फर्स्ट गोल पढ़ लिया है ग्रोथ, और महालनोबिस के बारे में पढ़ लिया. दैट्स ऑल.